जॉर्ज विलहम फ्रेडरिक हीगेल। जर्मनी में सन 1770 में इसका जन्म हुआ और 1831 में इसकी मृत्यु हो गई। वो एक भाववादी दार्शनिक था, हालांकि तमाम समीक्षक कहते हैं कि उसका भाववाद पुराने भाववाद के मुकाबले कुछ अलग था, कुछ अनूठा था। वे कहते हैं कि ये पुराने भाववादियों जैसा नहीं था, बल्कि एक महान भाववादी था। अब मसला ये है कि भले ही इसका भाववाद कितना ही महान कहा जाए, लेकिन था तो वो भाववादी ना, तो फिर इसे महान कहने की क्या ज़रूरत है? आखिर क्या बात है हीगेल में कि जिसकी वजह से खुद मार्क्स ने उसे अपना गुरु माना? यही सब जानेंगे आज के इस वीडियो में। हीगेल के हिसाब से इस दुनिया का आधार, इस ब्रह्मांड का आधार है एक यूनिवर्सल स्पिरिट, यानी कि सार्वभौमिक आत्मा। इस अवधारणा का एक अलग नाम भी है परम विचार, एक तीसरा नाम भी है परमात्मा, एक और नाम भी हो सकता है सर्वोच्च आत्मा। मतलब जैसे घर में बच्चों के अलग अलग नाम रख दिए जाते ना, पप्पू, चिंकू, टिंकी, बिल्लू, इस तरह के तमाम नाम हैं परमात्मा के। कुछ भी कह लीजिए, बात एक ही है। यूनिवर्सल स्पिरिट ब्रह्मांड की उत्पत्ति के पहले से मौजूद थी और ये स्वतंत्र रूप से मौजूद थी। हीगेल इस तरह की बातें कहता था। मेरा दिल कहता है कि आज अगर हीगेल यहाँ मौजूद होता तो मैं उससे कुछ सवाल तो ज़रूर पूछता। क्या सवाल पूछना है बच्चा? अरे आप कौन? मुझे नहीं पहचाना ना? मैं हीगेल। हीगेल? हाँ। लेकिन आपका हुलिया तो बिल्कुल ही। अरे हुलिया का क्या है बच्चा, वो तो पल पल बदलता रहता है, और मैं तो 200 साल बाद किसी के सामने आया हूँ, लेकिन फिर भी देखो कितना मेंटेन किया हुआ है। लेकिन 200 साल बाद आप यहाँ कहाँ से आ गए? अरे बच्चा, सब परमात्मा की कृपा है। परमात्मा? हाँ। मतलब परमात्मा है तो परमात्मा को कहाँ छोड़ा है, वो कहाँ रह गया? क्या बच्चा, वो तो हर जगह मौजूद है। तो क्या आप हमें परमात्मा दिखा सकते हो? क्यों, मैं क्यों तुम्हें दिखाऊं? क्या तुम्हारी आंखें नहीं हैं? तुम खुद ही देख लो। अच्छा वैसे ये बताओ, आपको कैसे पता कि परमात्मा होता है? अरे मैं उसकी बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो है, और तुम्हें मेरी बात माननी है तो मानो, नहीं तो तुम्हारी मर्जी। देखा, तो ऐसे हैं हमारे हीगेल बाबू। ये कहते हैं कि परमात्मा और कुदरत अलग अलग नहीं है, बल्कि कुदरत परमात्मा का ही एक अन्य स्वरूप है। ये कहते हैं कि ब्रह्मांड का जो विचार है वो मनुष्यों के बीच में जाकर मनुष्यों के माध्यम से खुद अपने ही बारे में सोचता रहता है। कैसी अजीबोगरीब बात है ना ये? हीगेल की ऐसी अजीबोगरीब बातों पर मार्क्स का क्या कहना था, आइए सुनते हैं। हीगेल के लिए मनुष्यों की जीवन प्रक्रिया, जैसे कि सोचने की प्रक्रिया, जिसे वो विचार के नाम पर एक स्वतंत्र विषय में बदल देता है, वास्तविक जगत की सृष्टि करता है। और वास्तविक जगत तो सिर्फ विचार का ही बाहरी परिघटनात्मक स्वरूप भर है। इसके विपरीत मेरे लिए विचार सिर्फ मनुष्यों द्वारा प्रतिबिंबित और सोच के रूप में अनुवादित भौतिक जगत के अलावा कुछ नहीं है। मार्क्स के इन शब्दों में कुछ भी अलग नहीं है, ये तो वैसी ही बातें हैं जैसी हमेशा से भौतिकवादी भाववादियों के विरोध में करते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं है कि मार्क्स और एंगल्स को हीगेल की इस भ्रामक प्रवृत्ति के बारे में पहले पता नहीं था, उन्होंने तो बहुत पहले ही इसके बारे में काफ़ी कुछ कह दिया था। हीगेल के अनुसार इस कुदरत का हर पदार्थ परमात्मा का ही एक रूप है। वो कहता है कि रेत के कण से लेकर सूरज जैसे सितारे तक को परमात्मा ने बनाया है। वो कहता है कि कुदरत, ये सारी कुदरत परमात्मा का ही एक बाहरी स्वरूप है, उसकी एक बाहरी अभिव्यक्ति है। इस बारे में हीगेल से हमारी क्या बात हुई, आइए देखते हैं। जब हम वास्तविक जगत के सभी तत्वों को, सितारों को, चांद को, सूरज को, पहाड़ों को, पर्वत को, सभी को देख सकते हैं, तो फिर परमात्मा को क्यों नहीं देख सकते? अरे सभी परमात्मा के ही स्वरूप हैं, इनमें से किसी को भी देखना परमात्मा को देखने जैसा ही है। अब मैं क्या तुम्हारे लिए अलग से कहीं से परमात्मा लेके आऊं? हैं? आपने तो यही कहा था ना कि परमात्मा स्वतंत्र है, कहा था ना, तो फिर बस मैं एक बार परमात्मा को देखना चाहता हूँ। तो फिर खेत को देख लो, वही परमात्मा है, और पेड़ देख लो, वही ब्रह्म है। खेत को अगर खेती कहें और पेड़ को पेड़, तो फिर इसमें प्रॉब्लम क्या है? इन्हें परमात्मा और ब्रह्म जैसे बड़े बड़े नाम क्यों दें, ये तो बोलने में भी कठिन है। परमात्मा ही तो आधार है, इसका एहसास करने के बाद ही इसके स्वरूपों को पहचानो, और तुम्हारी जबान भी तो परमात्मा का ही स्वरूप है, और अगर मेरी जबान इन शब्दों का उच्चारण कर सकती है तो तुम्हारी क्यों नहीं? और सीखो कि इन शब्दों का उच्चारण करने के लिए अपनी जबान का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, मैं सीख लूंगा, मैं आपके जितना बुद्धिमान तो नहीं हूं ना। अरे प्यारे हीगेल बाबा, थोड़ा धैर्य तो रखो। मुझे ये बताओ कि आप पदार्थ को ही परमात्मा कहते हो? अगर ऐसा है तब तो सब ठीक है। क्या बात करते हो, परमात्मा तो महाशक्ति है, पदार्थ तो परमात्मा से पैदा हुआ है,
ये दोनों एक कैसे हो सकते हैं? इसका मतलब ये है कि पदार्थ एक बच्चा है और परमात्मा उसकी माँ। तो जैसे हम इस बच्चे को, मतलब कि पदार्थ को देख सकते हैं, वैसे इसकी माँ को क्यों नहीं देख सकते? कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये माँ मर गई है? क्या बात करते हो, परमात्मा कैसे मर सकता है? इस तरह की बहसों का कोई निष्कर्ष निकल सकता है क्या? ये बहसें कहीं तक पहुंच सकती हैं क्या? मुझे लगता है कि ऐसी बहसें करना समय की बर्बादी है। हमारा जीवन चाहे कितना ही लंबा क्यों ना हो, फिर भी बहुत छोटा है। अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। हमें परमात्मा को छोड़कर आगे बढ़ जाना चाहिए। वैसे भी परमात्मा तो सर्वव्यापी है ना, तो हम जहाँ जहाँ जाएंगे हमारे पीछे चला आएगा। ये देखिए, यहाँ पर भी आ गया। परमात्मा के संबंध में हीगेल के विचारों को अगर सुने समझें तो ये समझ में आता है कि पुराने भाववाद में और नए भाववाद में कोई खास अंतर नहीं है। हालांकि तमाम लोग कहते हैं, तमाम विद्वान कहते हैं कि हीगेल ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के कुछ नए पहलू विकसित किए थे। अब ये द्वंद्वात्मकता क्या है? द्वंद्वात्मकता का कॉन्सेप्ट दरअसल ये कहता है कि हर पदार्थ हमेशा गति में रहता है। और गति कब होती है? जब पदार्थ होता है। मतलब अगर पदार्थ है तो इस वजह से है क्योंकि गति है, और गति है तो इस वजह से है क्योंकि पदार्थ है। और इसी सब की वजह से पदार्थ में नए नए चेंजेस होते हैं, उसमें नए नए बदलाव होते हैं। अगर यही है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद, तो हमें ये मानना पड़ेगा कि पहले के समय में भी तमाम लोगों ने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के सिद्धांत को लोगों तक पहुँचाया होगा। हालाँकि हीगेल के बारे में कहा जाता है कि उसने इस कॉन्सेप्ट को कुछ ज़्यादा विकसित कर दिया था। हीगेल के तमाम भक्त तो ये कहते हैं कि हीगेल ने दर्शन को अपनी सर्वोच्च शिखर पर, अपनी सर्वोच्च मंजिल पर पहुंचा दिया था। हीगेल के फॉलोअर्स ने यह स्वीकार किया कि हीगेल का ये सिद्धांत, हीगेल की ये थ्योरी परम विचार यानी कि सुप्रीम थॉट को दिमाग में रखकर दी गई थी, ना कि कुदरत और समाज को। मार्क्स और एंगल्स ने इस विचार को, हीगेल के इस सिद्धांत को प्रोग्रेसिव माना, और उन्होंने कहा कि अगर इस सिद्धांत के नज़रिए से हम कुदरत और समाज को समझने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ज्ञान हासिल होगा जो पूरी दुनिया को बदल कर रख दे। कुदरत और समाज, इसके ऐतिहासिक स्वरूप से लेकर आज के स्वरूप और इसके भविष्य को समझने के लिए हीगेल के ये विचार प्रोग्रेसिव हैं, क्रांतिकारी साबित हो सकते हैं। हीगेल के सिद्धांतों का सार ये है कि बदलाव और विकास हमेशा होता रहता है, लेकिन ये बदलाव और विकास होता किस में है? सोच में, थॉट प्रोसेस में। मार्क्स और एंगल्स कहते थे कि हीगेल इसलिए भाववादी कहलाता है, हीगेल का सारा सिद्धांत इसलिए भाववादी बन जाता है क्योंकि वो सारी की सारी बात अटक जाती है सोच पर, विचार पर, थॉट प्रोसेस पर। कोई फिलोसोफर या फिर कोई उपदेशक अगर एक ही किस्म की बात, एक ही विचारधारा को लोगों के बीच में लेकर जाता है एकदम स्पष्ट शब्दों में, तो उसके सुनने वाले जो तमाम लोग हैं वे अगर उससे सहमत होंगे तो उसके साथ आ जाएंगे, एक ही किस्म की विचारधारा को मानने लगेंगे, वरना उसे छोड़ देंगे। लेकिन अगर कोई फिलोसोफर, कोई उपदेशक दो अलग अलग किस्म की विरोधाभासी बातें करता है तो कुछ लोगों को उसका एक विचार पसंद आएगा और वे उसके फॉलोअर बन जाएंगे, और कुछ को आएगा दूसरा विचार पसंद और वो उस विचारधारा को मानते हुए उसके फॉलोअर्स बनेंगे। हीगेल के बारे में ऐसा ही कहा जा सकता है। हीगेल के तमाम विचारों में से कुछ ऐसी प्रवृत्ति के थे जो कि दक्षिणपंथी कैरेक्टर कहा जा सकता है, और दूसरे वामपंथी कैरेक्टर के थे। मार्क्स और एंगल्स हीगेल के वामपंथी फॉलोअर्स थे, उसके अनुयायी थे। अब सवाल यह है कि कोई आदमी नेगेटिव और पॉजिटिव विचारों का घोल मिलाकर किसी के सामने क्यों पेश करेगा? तो इसका जवाब यह है कि हो सकता है कि उस आदमी को एक चीज़ के बारे में कोई जानकारी हो और दूसरी चीज़ के बारे में जानकारी ही ना हो, या फिर ये भी हो सकता है कि उस आदमी को एक विषय के बारे में अच्छी जानकारी हो लेकिन फिर भी उसने कुछ धारणाएं बना रखी हों जिनको वो अभी तक तोड़ पाने की स्थिति में ना हो, उसको तोड़ पाने की हिम्मत ना कर पा रहा हो। मार्क्स और एंगल्स जब तक 30-30 साल के भी नहीं हुए थे, जब तक वे एक दूसरे से मिले भी नहीं थे, तब तक भी उनमें इतनी समझ थी कि वे हीगेल के काम को पसंद नहीं करते थे। लेकिन हीगेल की लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी, उसका प्रभाव इतना ज़्यादा था कि वे उसके अनुयायी बन गए, लेकिन कुछ आलोचनाओं के साथ। उन्होंने समझा कि हीगेल एक वामपंथी है, इसलिए वे उसके वामपंथी फॉलोअर्स बन गए, वामपंथी शिष्य बन गए। काफ़ी बाद के वर्षों में जाकर मार्क्स और एंगल्स फायरबाख के प्रशंसक बन गए। फायरबाख एक भौतिकवादी दार्शनिक था और वो हीगेल के भाववादी विचारों का कड़ा आलोचक था। उसके प्रभाव में मार्क्स और एंगल्स पूरी तरह से भौतिकवादी बन गए, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने हीगेल की खूबियों को खारिज नहीं किया। कौन था ये फायरबाख, इसको जानेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।